हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का टेक्नोमिनी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल। टेक्नोमिनी चैनल में स्वागत है आप सबका। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक, CSS आउटलाइन क्या होती है। वो डिस्कस करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना वीडियोज़। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि CSS आउटलाइन होते क्या है। CSS आउटलाइन मतलब CSS आउटलाइन और आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। CSS आउटलाइन एक क्या है, जैसे हम कुछ भी कुछ ड्रॉ कर लिया या कोई कंटेंट है, उसके बाहर हमने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया, बॉर्डर के बाहर वाला जो चीज़ होगी उसको कहते हैं आउटलाइन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हम यूज़ करते हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, विड्थ, ऑफसेट, आउटलाइन, ये हम CSS में यूज़ करते हैं। जब हम स्टाइलिंग वगैरह करते हैं तो हम CSS में इसको यूज़ करते हैं। आउटलाइन के स्टाइल कौन कौन से हैं, जैसे हम सिंपली दे सकते हैं डैश्ड, वो डैश जो भी होती है आउटलाइन उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिजिड, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, ही होती है। आओ मैं आपको फिर अब प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ ये कैसे कैसे वर्क करता है। ये देखिए, मैंने HTML का कोड ले लिया और मैंने इंटरनली मैं वो दे रही हूँ, इसमें स्टाइल इंटरनली दे रही हूँ, और मैंने एक पैराग्राफ ले लिया और उसको क्लास प्रोवाइड कर दी डॉट। ठीक है, और डॉट फिर उसको मैंने जैसे आउटलाइन प्रोवाइड कर दी, तो क्या इसमें यूज़ करेंगे, आउटलाइन हाइफन स्टाइल, फिर जैसे डॉटेड प्रोवाइड करना है तो डॉटेड दे देंगे। ठीक है, और मैंने ऊपर वहाँ पे क्या दे रखा है, आउटलाइन कलर रेड, मतलब जो आउटलाइन का कलर है वो रेड आएगा, और जो डॉटेड डॉट 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 डॉटेड की तरह वो हमारे पास शो हो जाएगा। और फिर हम इसको सेव कर लेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आउटपुट आ जाएगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगी। वो जो लाइन थी वो उसके बाहर एक तरह से एक आउटलाइन बन गई। ठीक है, और हम जैसे मैं आपको एक और प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ साथ साथ, इसमें सारे जो आउटलाइन के स्टाइल हैं वो सारे कवर करके, सारे एक साथ, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ यूज़ करके दिखा देती हूँ कि आउटलाइन स्टाइल हम कौन कौन से, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिजिड, हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सारे ले लिए हैं और सभी को मैंने अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कर दी, और पैराग्राफ के साथ वो क्लास मैंने ले ली और उसको अंदर आउटलाइन स्टाइल प्रोवाइड कर दिया। और इसको हम जब रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आउटपुट आ जाएगी। ये देखिए, रन किया, रन करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे आउटलाइन विड्थ, कि CSS में आउटलाइन विड्थ कैसे, मतलब जो आउटलाइन है उसमें विड्थ कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये हम देखिए, सिंटैक्स इसका इस तरह होगा, आउटलाइन विड्थ, फिर साथ में हम थिन उसका प्रोवाइड कर देंगे। हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, थिन, मीडियम, थिक, इस हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। और ये देखिए, मैं प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ, इसमें हमने HTML का कोड ले लिया और फिर मैंने स्टाइल के साथ ही आउटलाइन कलर भी प्रोवाइड कर दिया, जैसे ग्रीन, और एक प्रोवाइड कर दिया मैंने ब्लू। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह डिस्प्ले होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, हमने इसको सेव किया और रन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, हमारे पास आ गया, ऊपर वाला डॉटेड वाला ग्रीन कलर का आ गया, नीचे ब्लू कलर का आ गया। अब जैसे मर्जी जो सा मर्जी कलर ले सकते हैं इसमें, आउटलाइन हाइफन
विड्थ भी, सॉरी विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि ठीक आपने देना है, कैसा देना है, वो सारा कुछ दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कलर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, जैसे जैसे इसमें मैंने कलर भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह आ जाएगा हमारे पास। थिकनेस उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ये वो सारा कुछ। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, CSS आउटलाइन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या है, जैसे आउटलाइन में हम रेड कलर प्रोवाइड कर दिया, कैसा देना है स्टाइल, वो सारा हम एक साथ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको कहते हैं आउट स्टाइल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये देखिए मैंने इसमें एक साथ ही प्रोवाइड कर देती हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आउटलाइन ऑफलाइन प्रॉपर्टी में क्या है, हम एक्स्ट्रा उसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास जैसे हमने आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी है, जो वो कैसे यूज करेंगे, एड स्पेस बिटवीन आउटलाइन और बॉर्डर के बीच हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि उसमें बीच में स्पेस आ जाए एक्स्ट्रा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, CSS आउटलाइन ऑफसेट कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, हमें पता नहीं चलती। ठीक है, दिखाई नहीं देती हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ हम ये देखिए मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने HTML का कोड ले लिया और उसमें मैंने ऑफसेट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, आउटलाइन ऑफसेट दे दिया, बॉर्डर दे दिया, ठीक है, और आउटलाइन दे दी। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह आउटपुट आ जाएगी। और ये थी इस तरह हम जो भी अपना कंटेंट है उसको, आउटलाइन को कलर स्टाइल विड्थ वगैरह ये सारा कुछ हम दे सकते हैं CSS में। ठीक है, आउटलाइन प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह आउटपुट आ जाएगी। और ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, एक CSS के छोटे से टॉपिक पर, आउटलाइन CSS आउटलाइन पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।